हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहा है अभी, और इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और आज जो है ना बहुत ही फ्रेश मौसम है। अभी आप लोगों को सूर्य दर्शन कराते हैं, तो चलिए सूर्य दर्शन कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा सा व्यू है। सूर्य दर्शन कीजिए। और दोस्तों अभी इधर से थोड़ा सा टहल वहल के घूम घूम के चढ़ते हैं, उसके बाद में दोस्तों घर पे मिलते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों घर गया हूँ। घर जाने के बाद जो है ना मुझे मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गया था, तो अब कुछ सरियाने का तो था नहीं माल उल, और माल भी बहुत सारे आइटम ख़त्म हो चुका था, तो इसकी वजह से मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, कर्जा ही ले लेता हूँ। लेकिन दोस्तों कर्जा तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन हमने जो जिस कंपनी का गाड़ी लिया हूँ, TVS क्रेडिट से लोन लिया था, तो उसी आईडी पर जो है ना पर्सनल लोन लिया था, और इंस्टा प्लस कार्ड का भी लोन लिया हुआ था, तो 25,000 रुपया तो वो तो चुका दिया, ख़त्म कर दिया किस्त। किस्त जब ख़त्म कर दिया तो फिर ऑफर आया हुआ है कि आप 25,000 फिर ले सकते हैं। तो जब मैंने वो लेने की कोशिश किया हूँ, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया हूँ, तो वो बता रहा है कि आपका जो एक पर्सनल लोन हमारा चल रहा है, गाड़ी का किस्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक और इसी गाड़ी की आईडी पर पर्सनल लोन लिया हुआ हूँ, तो साल भर के बाद ख़त्म होगा। तो वो बता रहा है कि जो पर्सनल लोन जो लिए हैं वो पूरा चुका देंगे, उसके बाद में ये आपको बैंक में ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो लास्ट में जाकर ऑफलाइन में आस पास पड़ोसी से, अपने मोहल्ले के पड़ोसी से फिर मैंने कर्जा लेने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों 3-4 आदमी तो इनकार कर दिया है कि मेरे पास पैसा था, लेकिन किसी को दे दिया नहीं है। लेकिन लास्ट में जाकर 5वां आदमी जो है ना हाँ बोल दिया, तो वो आदमी मुझे 20,000 रुपया दिया है, 3 रुपये ब्याज पे। उसको 3 महीने का मोहलत मांग के पैसा लिया हूँ, और बोला हूँ कि जो 3 महीने के लिए ले रहा हूँ, 1-2 महीना ज़्यादा भी हो सकता है, तो ब्याज जोड़ के ले लीजिएगा। तो ले लिया है, 20,000 रुपया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यही रुपया लाए हैं ये कर्जा, कितना 3-4 आदमी से खोजने पर कितना पूरा हार चुके थे, लास्ट में जाके मिला है, तो चलिए फाइनली मिल गया। और दोस्तों अभी चलते हैं डायरेक्ट सीतामढ़ी माल लाने। और दोस्तों इससे पहले जब लोन लेते थे, कर्जा लेते थे, तो कर्जा लेते थे किसी और काम के लिए, आज कर्जा लेने के बाद जो है ना किसी और काम में ऐसे इधर उधर पैसा खर्चा हो जाता था। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हैं, तो जिस काम के लिए लोन ले रहे हैं उसी काम में इन्वेस्ट कीजिए या खर्च कीजिए। क्योंकि आप अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं काम, अगर आप काम करने की सोच रहे हैं और लोन ले रहे हैं, काम करने के बारे में, और जब लोन हाथ में जब पैसा आ जाता है तो आपको आप काम शुरू कर नहीं पाते हैं, इधर उधर पैसा खर्चा हो जाता है। तो मेरा सजेस्ट यह है कि आप लोन लेने, कर्जा लेने से पहले ये तय कर लीजिए कि आप क्यों कर्जा ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, और पैसा जब हाथ में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा वो पहले ही लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, या आप रिकॉर्डिंग करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमने जब लोन लिया है तो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, और पैसा जब कर्जा ले लेंगे तो उस पैसे को क्या करेंगे, पहले ही आप अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद में कर्जा लेना है। कर्जा ले करके जब हाथ में पैसा आ जाता है ना दोस्तों, तो आप जिस काम के लिए पैसा लेते हैं उस काम में पैसा नहीं लगा पाते हैं, इधर उधर पैसा खर्चा हो जाता है। तो आप जैसे ही आपके हाथ में कर्जा जब लेते हैं, हाथ में पैसा आ जाता है, तो डायरेक्ट उस काम में लगा दीजिए, और उस काम को लगने शुरुआत कर दीजिए जिस काम के लिए ले रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा रुक जाएंगे तो वो पैसा जो है ना इधर उधर भाग जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, आप बाद में जो है ना 2-3 महीना 4 महीना के बाद आपको ज़्यादा परेशानी आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए हमारा सजेस्ट है कि जब लोन ले रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, तो आप जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम में लगाइए तो अच्छा है। हमने इससे पहले जब भी मैं कर्जा लेता था, कर्जा लेता था उस काम में न लगा कर इधर उधर खर्चा हो जाता था। तो इस बार हमने लेने से पहले ही हमने लिख लिया है कि कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है, या कहाँ पे इसको खर्च करना है, या कर्जा जो हमने लेने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम कहाँ पे खर्च करेंगे। तो हमने सब लिख लिया है,
हमने जैसे ही पैसा हमारे हाथ में आ गया है, अभी मैं चल गया हूँ सीधे जिस काम के लिए मैंने पैसा लिया उस काम में। अब मैंने 20,000 रुपया लिया हूँ, मैं जब भी मैं माल लाऊंगा 15,000 से ऊपर का ही माल लाऊंगा, उससे कम का माल नहीं लाऊंगा। यह मैंने सोच लिया है और खुद से पूरी आत्मविश्वास के साथ मैं अपने मन में दिल में बिठा लिया हूँ कि मैंने जो ये 20,000 रुपया लिया हूँ ये इधर आलतू फालतू खर्चा नहीं करेंगे। अगर खर्चा करना होगा तो इनकम करके फिर खर्चा करेंगे। ये पैसा जो लिया हूँ इससे रिटेलिंग करके, कपड़ा जो फेरी करते फेरी करके उससे जो कमाई होगा उसी पैसा को जो है ना खर्च करेंगे, जहाँ पे खर्च होने वाला होगा वहाँ पे। लेकिन ये पैसा जो ले रहे हैं उसको जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम में लगाएंगे, दूसरा काम में नहीं लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीतामढ़ी, माल लेते हैं। दोस्तों अभी मार्केट में मैं पहुंच गया, यही मार्केट है रिंग बांध मथुरा हाई स्कूल रोड। और इधर जो है ना, इधर किरण चौक है, देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं माल लेते हैं दुकान में। हेलो दोस्तों, आ गया दुकान में और जो जो माल सब लेना है वो सब छाँट लेते हैं। इधर से फ्राक सब है, बंडी सब है, उधर पर्दा है, उधर ब्लूमर है कच्चा, और ये साइड में देख सकते हैं इधर पैंट है हाफ छोट बच्चे का, इधर शर्ट सब है, गमछा है ऊपर देख सकते हैं। और पूरा भरा हुआ था, सन्नाटा जैसे लग रहा है क्योंकि ठंडी वाला सारा आइटम अंदर रख दिया और गर्मी वाला सब यहाँ पे है, सब देख सकते हैं निकला हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, जो जो छाँटना है वो सब छाँट लेते हैं। दोस्तों अभी 5 बजने वाला है और इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और आज जो है ना, आज लगभग कितना 20,500 प्लस का माल लाया हूँ, और क्या क्या है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल दिखाते हैं किस तरह का है, देख सकते हैं ये ओढ़नी है और ये पूरा बोरा भरा हुआ है, और ये साइड में ये पूरा बोरा है। तो इतना माल है और अभी चलते हैं दोस्तों घर पर। और अभी मैं सीतामढ़ी टाउन से निकल चुका हूँ, यहाँ से अभी लगभग हमारा घर जो है ना 15 किलोमीटर है, अभी तो 3 किलोमीटर जो है ना सीतामढ़ी से अभी निकल चुका हूँ। तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं चारों तरफ। दोस्तों ये सामने देख रहे हैं और सामने वाला जो है ना प्लाईवुड का कंपनी है, और इधर का खेती बाड़ी देख सकते हैं गेहूँ, और इधर जो है ना लहरी का खेती बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं दूर दूर तक खाली लहरी, सब आरी पर लहरी है आरी पर, और बीच में खेत में गेहूँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर लहरी का खेती होता है देख सकते हैं। और ये साइड में भी लहरी का खेती है, आरी पर ही है लेकिन ज़्यादा खाली लहरी का ही खेती है देख सकते हैं। और इधर अभी चलते हैं डायरेक्ट अपना घर की तरफ, शिवहर बसंत पट्टी को रोड जाता है, खैरवा से सीधे कुसमारी होकर के सीधे रामपुर बनाई होकर के शिवहर में होकर के बसंत पट्टी पुरनहिया की तरफ, तो यही रोड से चल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे घर पे और घर पे मिलते हैं। दोस्तों अभी टाइम 5:45 हो गया है और अभी सीधे चलते हैं, थोड़ा सा रुक गए हैं पीछे वहाँ पे, तो जो है ना एक छोटा सा वीडियो बनाने लगे हैं शॉर्ट वीडियो इसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल घर पे, और देर जो है ना अभी डूब चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, अभी चलते हैं दोस्तों घर पे। और आज जो है ना बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा माल जो है ना सच में पहली बार लाया हूँ, 3 साल से फेरी कर रहा हूँ, और उसके बीच में जो है ना आज पहली बार इतना का माल लाया हूँ, तो बहुत खुश हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया घर और अभी अंधेरा हो गया है, अभी तो उतार लेते हैं सबको। तो दोस्तों माल उतार करके सब यहाँ पे रख दिया दोनों बुरा में, और अभी लाइट कटा हुआ है देख सकते हैं, लाइट कटा हुआ है, तो कहीं अगला वीडियो में जाए ना इसमें क्या क्या लाया हूँ वो सब दिखाऊंगा अगला वीडियो में। तो चलिए अभी तो लाइट कटा हुआ है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 7:30 और अभी खाना वाना मैं खा लिया, अभी चलते हैं बिस्तर पे, वीडियो एडिट करना है, उसके बाद में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद लक्ष्य को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद में सोएंगे। चलिए फिलहाल सोते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।